हेलो राम राम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, बढ़िया दिन है। मैंने सारे काम कर लिए हैं, घर के नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, कपड़े वगैरह सब आपको दिखा दिए। मैंने अभी कभी कपड़ा भी चेंज कर लिया, तो मैंने सूट डाल लिया है। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं मार्केट में। मार्केट में एक्चुअली इसलिए कि कल है शीतला सप्तमी, तो मैं सोच रही हूँ सप्तमी से पहले, क्योंकि हम लोग मटका रखते हैं घर में, पानी का घड़ा सप्तमी पे या अष्टमी पे, दोनों पे भी रख सकते हैं। तो हम लोग सप्तमी की रात को भर देंगे, सप्तमी की रात को हमने भर देना है। आज दिन अच्छा था, बुधवार था, तो अपने चल रहे हैं पानी का घड़ा लेने के लिए, मिट्टी का घड़ा, और ले आएंगे। उसमें थोड़ा धो के पानी डाल के रख देंगे, कल शाम को पानी भर के रखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, उसका किस तरीके से घड़े की पूजा होती है वो करेंगे, और शीतला माता की पूजा होती है। और अष्टमी पे रात में ही सूरज उगने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं, मैं वही यूपी स्टाइल से ही पूजा करती हूँ। यहाँ की स्टाइल भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ठंडा बनाते हैं, यानी उसको ठंडा बोलते हैं, बासीड़ा बोलते हैं। बासीड़ा यानी कि बासी खाना खाते हैं लोग, ठंडा खाते हैं, या उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करते, गैस नहीं जलाते कुछ भी, बिल्कुल दिन भर कोई गैस का वो नहीं, दूसरे दिन दोपहर तक कुछ गैस नहीं वो लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो कोई भी हलवाई की दुकान नहीं खुली होगी, कोई दुकानें सब बंद रहेंगी परसों, तो इसलिए अपन चलते हैं। अभी घड़ा लेना है, झाड़ू लेने हैं, कुछ ऐसी चीजें और घर की हैं, कुछ सामान लेना है, तो चलिए घड़ा ले आएंगे और स्थापित करेंगे, वो सब आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी आपको घड़ा कैसे पहचानते हैं वो भी दिखाऊंगी, घड़े पहचानने का तरीका, कौन सा घड़ा पूरे साल भर चल जाएगा वो भी। अभी देखिए मेरे पीछे एक मटका पिछले साल वाला रखा हुआ, सर्दियों में हटा दिया था, वो एकदम सही सलामत है, लेकिन वो खूब ठंडा करेगा, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या स्थापित करने करना होता है हर साल, तो मैं स्थापित करूंगी उसको, किसी गरीब को, मैं सड़क पर रहते हैं बेचारे, उनको दे दूंगी, वो अपना भर के रखेंगे, उनको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। तो पुराना घर दे के नया घड़ा ले आती हूँ और स्थापित करती हूँ, तो घड़ा पहचानने का तरीका भी देखेंगे, और ले आके स्थापित करते कैसे करते वो भी देखेंगे, आगे शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा भी देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं आप सभी से घड़े की दुकान पे मिलते हैं, तो चलिए। मुझे ये वाले मटके मुझे दिखा दीजिए, दिखाई जाएगा। पिछली बार जैसे ही मजबूत मटका देना आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका मटका निकला था पिछली बार। कितने का है ये? 100 का। और ये वाला कौन सा? ये चली हुई है, इसलिए नहीं, ये गुजरात से आता है। कहाँ से? गुजरात से आता है। अच्छा, ये गुजराती मटका या राजस्थानी है ना? इसमें पानी ठंडा तो रहेगा, 20 कहते हैं, वो दिखा दीजिए। आप चेक कैसे करते हो वो आप बता दो, तो मतलब आवाज अच्छी आ रही है, टनक अच्छी आती है, साबुत मटके की आवाज लगाती है, टूटे हुए का अच्छा जर्जर बोलता है, टूटा हुआ मटका जर्जर बोलता है। अच्छा इतना बहुत है हमारे लिए, तो इससे ज्यादा कहाँ बड़ा परिवार आजकल है बताओ। हाँ हाँ, मतलब पानी से ही साफ करो, पानी से, सादा पानी से साफ होती है, इसके सर्फ और साबुन नहीं लगते, सर्फ साबुन नहीं लगानी है, सर्फ साबुन से खराब हो जाती है। अच्छा, और ये वाली मटकी है ना काली वाली, अच्छी चलती है, गैस पे चलाओ चाहे चूल्हे पे चलाओ टूटती नहीं है। अच्छा, अच्छी चलती है।
चलो तो वो मटकी भी आप दिखा दीजिए, एक तो ये चाहिए हमें ना, ये दही जमाने का ये। हाँ शिव और पार्वती बड़े भाई आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ बड़ी साइज के हैं। हल्ला बंद करके मुझे बताना तो पड़ेगा इन्हें बाद में क्या है कैसे। हाँ, ये छोटे छोटे। अरे ये कुल्फी आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए बहुत बढ़िया। ये वाला भी दीजिए दही जमाने का ना। हाँ ये हो गया, ये हो गया, इसका कितना हो गया? 70। ठीक, तो हमने मटके ले लिए, आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से उन्होंने बताया कैसे पहचानते हैं वो भी। तो ये देखिए पूरी मटके की दुकान है, यही हर बार हमने मटके लेते हैं। तो यहाँ से कुछ रबर बैंड्स और चूड़ियाँ वगैरह हमें लेनी थी, एक दो के सेट सही करने थे और मुझे पूरा अपना बैंगल बॉक्स भी ठीक करना था, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैं अभी खरीदने आ गई हूँ। तो ये पूरे ले लो, एक एक ले 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 सारे एक एक कलर। ये वाले प्लेन है तो लेना ना, वैसे उसमें उसमें प्लेन, हाँ प्लेन वाले है ना। नहीं ये सब वही है। हाँ ये वाले भी लेना, ये लेने ले ले। जो कलर उसमें नहीं हो वो कलर डाल दो। करियो कोई नई चूड़ियों की डिजाइन आई है क्या दिखाना? इसकी अच्छा है कलर और डिजाइन और देखो ये भी आपने ही दिया हुआ है जो पहनी हो। बढ़िया चूड़ी देना है जो कि धुले और सब हो। कांच की भी होती है क्या ये? कांच की आती है क्या ये? ये तो सीप की आती है जो आपने पहन रखी है। हाँ ये तो सीप है, ये सीप में डिजाइन अभी नई नई डिजाइन आई है। अच्छा जैसे चाहो वैसे लो आप। अच्छा जैसे ये ना ज्यादा इसमें स्टोन्स वगैरह हैं ये नहीं चाहिए होंगे, स्टोन्स निकलेंगे खाना वगैरह में चला गया तो हो गया। गोल की बनवाते लाल चूड़ी के ऊपर ऐसे घूम लेते हैं। हमारे पास वो मिल जाए, हमारे पास इसका कड़ा मिल जाएगा। हाँ नहीं वो हमारे यहाँ कड़े बनवाते हैं ऐसे गोल में देते हैं लाल चूड़ी के ऊपर। इसके अंदर गोल्ड भरी जाती है, अभी आपका हो तो गोल्ड में बनवा के लिया हूँ। अच्छा समझ गया, ये क्या घिसते भी नहीं है। लुक भी बहुत प्यारा रहता है, एवरग्रीन होता है वहाँ पे, आपको सबके पास मिल जाएंगे। एक इसमें डिजाइन काफी आई है, गोकुल अपना तीन चार डिजाइन ऐसे जो नाम से, ये गोल्ड में भी ऐसे ही बनते हैं सेम। इसके बारीक चूड़ियाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है इस टाइप की भी इतना। मेरे आर्टिस्टेंस है दिखा देना जरा। बढ़िया कह रही हूँ कि ये छोटे छोटे दो ले लें ज्यादा बढ़िया है। हाँ अलग अलग रख सके है ना, बड़ा से अच्छा।
यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ में मिल्क बर्फी शेयर करने चल रही हूँ। तो ये मिल्क का पाउडर है 2.5 कप। 2.5 कप का मतलब है 500 ग्राम। 200 ग्राम का एक कप है ये, तो 500 ग्राम ये मिल्क पाउडर है। तो इसका अभी हम देखिए हाफ इसको भरा था, अभी वो डाल लिया। फिर मैंने थोड़ा सा कम, पूरा लगभग एक कप भी डाल सकते हैं, एक कप से थोड़ा सा कम, 3/4 मैंने शुगर मतलब चीनी का पाउडर पीस के उसको रख लिया। एक कप दूध ले लिया है, अब इसको मिला ले रहे हैं। चीनी को मैंने 3/4 की भरा था, आप पूरा कप भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा अगर आप चाहते हैं तो। अब इसको बाहर ही मैं हम मिला लेंगे खूब अच्छे से, लम्स नहीं रह जाए, तब तक इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे खूब अच्छे से फेंट लेने के बाद में एक भी मतलब गुठलियाँ नहीं रह जाए, तो उसके बाद हम ले लेंगे देखिए 1/4 कप। देखिए यानी 50 ml ये ले लिया हमने घी, और घी को कढ़ाई में गरम किया। उसके बाद ये जो मिक्सर हमने किया है, मिक्स करके बनाया है मिल्क पाउडर, शुगर और दूध, उसको इसमें डाल दे रहे हैं और इसको खूब अच्छे से अब भुनेंगे। और इसको भुनते भुनते इसका स्टेज आप देखिए, देखते जाइए किस तरीके से स्टेज पे आ जाएगा, तब इसको हम जमाएंगे। अब इसको धीरे धीरे भुनते रहिए, आराम से चलाते जाइए चलाते जाइए। एकदम देखिए अब लाल हो गया है, और ये धीरे धीरे अब कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। जैसे ही कढ़ाई छोड़ने लग जाए, देखिए कितना थिक हो गया है, कि डो के फॉर्म में आ रहा है। अब इसको हम जमा देंगे। ये पार्चमेंट पेपर लगा दिया है मैंने ट्रे में, और वहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो निकालने के बाद में इसको आराम से बराबर इवेनली चारों तरफ फैला दीजिए। फैला के फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। जब बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए, उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए हम रखेंगे फ्रिज में। तो देखिए इसको इस तरीके से फैला के बराबर करें, क्योंकि ये हल्का सा जल्दी से फैलता नहीं है। इस तरीके से देखिए बढ़िया से इवन बराबर एकदम कर दीजिए। उसके बाद में आप चाहो तो अभी कट लगा के इसको ठंडा होने छोड़ दीजिए। और किनारे किनारे मैं ऐसा इसलिए कर देती हूँ, निकालना बहुत एकदम चारों तरफ से बराबर रहता है। और ऊपर से मैंने इसको पिस्ता से गार्निश कर दिया। पिस्ता बहुत अच्छा लगता है, ये मिल्क पाउडर पिस्ते का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। खोए के साथ में पिस्ता तो वैसे भी अच्छा लगता है। मिल्क पाउडर पिस्ता बर्फी है ही है ये। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर आने के बाद मैं फ्रिज में रख दी 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद हम निकाल लेते हैं। आइए अब इसको काट के दिखाते हैं। इसको देखिए मैं थोड़े बड़े बड़े पीस काट रही हूँ, आप चाहो तो थोड़े छोटे पीस भी काट सकते हो। और उसके बाद इस तरह से काट के आप सर्व करिए, और बहुत टेस्टी बनेगा, आप गारंटीड बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग बना के देखिएगा। तो जैसी लगी हो आप सभी को ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना मत भूला करिए। तो इस तरीके से मैं सजा दे रही हूँ, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगा। तो बना के कब देख रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जैसा लगे खाने के बाद वो भी बताइएगा।